गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ। मैंने इसमें 2 बूंद नींबू का रस भी डाला है। कहते हैं थोड़ा सा फैट कट करता है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन अभी खेल के थोड़ा थक गया है, अपना टीवी टाइम एंजॉय कर। अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन 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 दोबारा सो जाएगा। इसका सुबह 6 बजे उठ जाता है और 10 बजे तक एक बार फिर से सो जाता है ये। दोस्तों आज मेरे ब्रेकफास्ट में है एक टोस्टेड ब्रेड, 2 बॉइल्ड एग और साथ में चाय। दोस्तों आज बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। चलिए देखते हैं क्या क्या तैयारी कर ली है मैंने और कैसे बनाते हैं क्विकली। कोई मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग में, बट जो भी मुझे आता है लेट्स सी कि कैसा बनता है। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर। मैंने ये लगभग 4 मीडियम साइज़ प्याज को क्यूब्स में काट लिया है। एक शिमला मिर्च है हरी और ये ऑरेंज वाली शिमला मिर्च यहाँ आती है वो ली है। मैंने एक बड़े टमाटर को उसका गूदा निकाल के काट लिया है लंबा लंबा, और यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन का ये पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा जीरा डाला था उसमें। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। दोस्तों ये कढ़ाई मसाला है, जिसे खड़ा मसाला जो है उसको मैं बस रोस्ट कर लेती हूँ, उसको पीस लूँगी बाद में। कर दी है मैंने थोड़ी सी स्लो है। अब ये जो पेस्ट था उसे डाल देंगे। अब इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और इस मसाले को भून लिया है। बेसिकली ये कढ़ाई मसाला बना रहे हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इधर दोस्तों मैंने अलग एक कढ़ाई में ये डाल दिया है लहसुन, ये गया अदरक, हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखी थी क्यूब्स में वो मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी 2 हरी मिर्च की काट के डाल दी थी। जैसे दोस्तों जो कढ़ाई मसाला मैंने रोस्ट किया था उसको मैंने पीस लिया है वो डाल देते हैं। ये रोस्ट किया हुआ जो कढ़ाई मसाला था वो जिसको मैंने पीस लिया था वो भी मैंने डाल दिया है। स्टर फ्राई कर लेंगे, सारी सब्जियों को स्टर फ्राई करके इसमें पनीर ऐड कर देंगे। ये मैंने जो कढ़ाई मसाला बनाया था वो इस स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और पनीर में मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी डाल दूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी पीस के मतलब थोड़ा सा उसको पाउडर बना के डाल दिया है। देखिए कैसा लग रहा है। इसको हल्के से मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं। मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया है ऊपर से। दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्रीम डालना ऑप्शनल है, वो थोड़ा और रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। मैं मेरे पास है अभी तो थोड़ी सी ऐड कर दूंगी। ये ऑलमोस्ट डन है, हमारा कढ़ाई पनीर तैयार है।
तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और आप देख सकते हैं स्वराज ऑलरेडी अपना लंच खा रहे हैं। चलिए पूछते हैं स्वराज से कि कैसा बना है। आप अपना कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? आखिरी मतलब तारीफ मुमकिन नहीं। इतना अच्छा बना है या इतना अच्छा बना है? अच्छा चल देखते हैं। दोस्तों आप अभी हो रही है शाम की चाय नहीं कॉफ़ी, बिकॉज हमारे यहाँ आज आई है टिम हॉर्टन्स की स्पेशल कॉफ़ी जो स्वराज ने बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू स्वराज। वेलकम दोस्तों। और आज का व्लॉग एंड करेंगे मेरे पतिदेव, बोलिए क्या कहना है। गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगे या क्या नहीं अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।